हथेली में जो ट्रायंगल पाए जाते हैं इनके रहस्य के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इसके निर्माण होते हैं ट्रायंगल के, और इनके क्या फायदे होते हैं, और किस तरह से इसको आप पहचान सकते हैं हथेली के ट्रायंगल को, तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हथेली में यह गुरु पर्वत होता है और इसके नीचे से कुछ इस प्रकार से आयु रेखा प्रारंभ होती है, और इसी जगह से आयु रेखा के मूल से ही कुछ इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा निकलती है, और जो हथेली में होती है जो ये वाली सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली होती है, इस पर्वत तक जो रेखा आती है उसे बुध रेखा कही जाती है। तो हथेली के ये जो है मणिबंध, इस मणिबंध से या फिर हथेली के दूसरे क्षेत्र से जगह से भी प्रारंभ हो सकती है यह बुध रेखा, लेकिन बुध पर्वत तक अगर पहुंच रही हो तो उसे बुध रेखा कही जाती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर इस आयु रेखा के निचले भाग से कुछ इस प्रकार से अगर बुध रेखा प्रारंभ होकर के कुछ इस प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा से आकर के मिल जाए, या फिर यह रेखा आयु रेखा के नीचे भाग से निकल करके इस बुध पर्वत तक पहुंच जाए यह बुध रेखा कुछ इस प्रकार से, तो हथेली में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हथेली के मध्य में कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। आप लोग देख के बहुत आसानी से पहचान सकते हैं यह ट्रायंगल हो रहा है निर्माण, और यह जो ट्रायंगल है इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो आयु रेखा है इस आयु रेखा में किसी तरह की कोई बाधा या क्रॉस ना हो, और साथ ही यह बुध रेखा जो है इस बुध रेखा में भी किसी तरह की कोई बाधा या क्रॉस ना हो, त्रुटि रहित हो, यानी कि यह बिल्कुल क्लीन हो और साफ सुथरा रेखा हो, साथ ही यह मस्तिष्क रेखा जो है ये भी अच्छी हो, बुलंद हो और स्पष्ट हो। तो अगर इस तरह की योग बन रही है तो इसे हथेली में ट्रायंगल की योग कहे जा सकते हैं, और इसे ही दोस्तों मणि योग भी कहते हैं, मणि रेखा भी कई जाते हैं कई बार ये इस तरह की ट्रायंगल। तो अगर इस तरह की योग बन रही है तो आप अतुलनीय धन के स्वामी होने वाले हैं, यानी कि अपने जीवन में आप बहुत सारे धन की इकट्ठा करेंगे और इनकम के कई सारे सोर्स होंगे अपने जीवन में, आपको किसी भी तरह की कोई कमी आपके जीवन में भौतिक सुख की नहीं रहेगी, और यानी कि अत्यंत आप धनवान व्यक्ति में से एक होंगे, यानी कि यह ट्रायंगल अगर आपकी हथेली में है तो काफी सक्सेसफुल व्यक्ति में से एक होंगे आप। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।